जानकी बस में हम सब अपने स्वागत करी थी, हम बैजनाथ। आई हम जानकी बस में आमंत्रित कर ली थी जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महाशेर जी के, जे की अपने सब देखे थी अभी दो तीन दिन से जनकपुर धाम सुन चांदी के जे अभी कुछ व्यवसाय चार गो व्यवसाय सब जे पकड़ाए रहल थी और बहुत वही के लिए आंदोलन भेले और सुन चांदी के दुकान से बंद है, टायर जलाई गेले, व्यापारी के धरौटी पर आके छोड़ल गेले और वही के बाद फिर भी अभी सुन चांदी फसल बंद है और कायल उद्योग वाणिज्य संघ जनकपुर धाम के 12 बजे के लिए बंद घोषणा कैले छै। अई विषय सब पर हम सब बात कर लै चाहबै। जितेंद्र जी अपने के जानकी बस में स्वागत। धन्यवाद, नमस्ते। अगर जी अभी देखल गेली तीन चार दिन से अभी जनकपुर धाम में जे सुन चांदी के व्यवसाय चार बजे पकड़ाई रहले, वही के कारण से जानकी माता के मंदिर के बगल में सोनर पट्टी है और बहुत ज्यादा वही हम आंदोलन कर पड़े, टायर जलावे पड़े, टायर जलाल गेले और वही के कायल होके बलराम शाह लगाए और भी तीन आदमी पकड़ाई गए, धरोटी दक छोड़ गए। तो धरोटी दक जब छोड़ दिल गए फिर अभी कैला ही सुनता भी जैसे दुकान बंद कर। सबसे पहले हम ये परिस्थिति कैला सृजना हो गए वो हम पछताबे चाहै छी अपने के जे मीडिया के माध्यम से टेलीविजन के माध्यम से जे हम सब के संपूर्ण औद्योगिक व्यवसायी आम नागरिक से उनको जानकारी होना जरूरी है। लगभग जे पकड़ाव पड़ल थी बलराम ज्वेलर्स के संचालक बलराम शाह, अरुण शाह, तकर बाद जे मिर्चैया के दू गो कारीगर है अजय शाह आ संजय शाह, चार आदमी पकड़ाव पड़ल है। तो घटनाक्रम एहन है कि लगभग 4-5 दिन पहले वो कारीगर सब सामान लग मिर्चैया से अलग नकाशी के सामान हुए, वो सामान अपने के बलराम ज्वेलर्स में 44 ग्राम अरुण जी के से हो उनका कुछ परिमाण में सामान दिल के, अब बाकी सामान रहे से लग जाते रहे। लेकिन वैसे पहले हम की कहना चाहे कि वो सामान जो 44 ग्राम बलराम ज्वेलर्स में से दिल के तो अगर व्यवसायी के कथन अनुसार कि वो के पास बिल लग नहीं आयल है तो पेमेंट नहीं भेले कल की हमारा बिल मतलब कि वही ठामन से कारीगर बना के लाइल रहे जी बलराम शाह जी के जे दिल के सामान तो वही के बिल नहीं दिल के निश्चित रूप में जे यथार्थ बात है ओकरा स्वीकार करो पड़ते है ना। तो वो बिल नहीं रहला के कारण से ओकरा पेमेंट नहीं भेले कल के कि ई सामान ल जाओ बिल लग आए तो मात्र हम पेमेंट करब। मतलब बलराम ज्वेलर कह दिल के कि यहाँ सामान लग जाओ तो बिल लेके आए तो पेमेंट कर। हाँ हाँ, तो कल के कि दादू अथि हम कत लग जाओ ई हमर एगो हम सामान के रफ कागज पर लिख दी छी हमर परिमाण कते ई हमर राख दिए हम काल जब बिल लग आए तो हमरा पेमेंट देब कह के ओय में यथार्थ बात है में कोनो अथि न केना बुझते लोग की यथार्थ बात है। मान लो ई चीज मामला जब पकड़ाएल गेले जब मामला एहन आले तके बाद लोग कहे कि मन ग्रंथ बात ही बोल रहल छै करके ई बात आ रहा है। अगर मन ग्रंथ होते तो अपना सब जे शादी विवाह कतो भी जाई छै तो 4 तोला 5 तोला सुन हमरा बुझाय कि अपन घर परिवार के आदमी बैग में रखले रही ओ सब बिल लग चली से बात त नहीं रही। तो सामान के जे 33 किलो सुन क्विंटल के क्विंटल सुन एयरपोर्ट से छिर जाए ओय में पुरानी प्रशासन कुछ नहीं कर सकी, 4-5 तोला सुन के पथलय आला जाय वाला अवस्था रहे नहीं रहे ओकरा ठीक है राजस्व छली जे भेले ओही हिसाब से जे प्रशासन के आशंका लगले तो ओकरा तो कथी के आंतरिक राजस्व कार्यालय ठीक है करे छली के बात है ना, आंतरिक राजस्व कार्यालय ओकर कर सकिए कर छली भेले कि नहीं भेले तकर बाद एक भंसार है जनकपुर भंसार अभी में बुझब सकिए। तो एतिक बड़का घटना के मैनुपुलेट करके एत बड़का रूप देव के तैयार नहीं रहे हमारा बुझाए वो रहते तो आई जनकपुर बाजार में कुछ नहीं मिले थे अभी बिल नहीं लल के अभी गलत चीज है तो एक से जनकपुर में मतलब सामान्य ढंग से पकड़ के ले जाएंगे सामान्य ढंग से अगर अय जे निकाय कार्रवाई के दायरा में ताने के चाहिए लावे के चाहिए तब वही के बाद जो व्यवसायी के पछाड़ी पीछा पीछा जे घुमा प्रहरी नेपाल सरकार तो कही कि घुमा प्रहरी हटा दिली कह के लेकिन जे घुमा प्रहरी है वो अहाँ के जे
कलवार कुटी वो घीवर खाए लगी ठेला पर रुकले तब ओकरा दू आदमी रहे तो प्रहरी एगो अथी अजय शाह के अंगालो मारल की कि हम ओकरा कि झोला में कथी कहके से तो कल झोला में ओकरा लग दू तीन तोला कुछ परिमाण के सुन ओकरा लग रही गेल रहे आ वो घरे जाए के तैयारी में रहे तो ओकरा मतलब सारा बात वो कल की कि तब वो प्रहरी अपने कहे फलाना जगह यहाँ सुन दिली चिलना जगह सुन दिलिए तो कल की कि हमने दिली कतो तो ये पिस्तौल लेना देख भी हथियार मतलब घुमवा जगह से हाँ ओकरा पिस्तौल देखल हाँ हथियार देखल की कि एक 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 गोली दोनों के मार देबू कहीं का कहल के हाँ 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 ओहिमे कतो एकदम सत्य बात है तो वो बेचारा डेरा गेले वो कहल के हमरा कुछ लद के छोड़ दू व्यापारी है डेरा गेले ओकरा तब ओकरा भैन मांग के ओकरा प्रहरी लग गेले लग गेला के बाद जब ओकरा दुनू के राति में मुचुलका उठले मुचुलका उठले तो ओकरा लग जब बरामदी मुचुलका अथी मुचुलका उठले उ चीज अगाड़ी चल गेले तब तेकर बाद बिहान भेले साँझ में मतलब जबकि 24 घंटा के भीतर में जब पकड़ने रहे तो ओकरा तो बुझब चाहिए प्रहरी के कोनो निकाय में तो बुझब चाहिए अदालत में हाजिर करते राजस्व पठेते भंसार लेकिन ओकरा वहू दिन राखि कर बिहान भेले बेलका के समय में बलराम ज्वेलर्स में मुचुलका पुनः उठवा गेले बरामदी मुचुलका तो कोनो व्यवसायी आगे फिर वो राइते में जो पुलिस प्रशासन से बात कह रहे हैं इस संबंध में जी तब पहले एक ही छोटी जानू गो एक ही छोटी समाज कर ले उन्हों गो तो कल का है ना मुझे पर क्रिया तहत ले आए कुछ को आज बंदा चार पांच दिन पहला वहाँ संगा हामी हरू ले यो जो सुन को जो समस्या हरू थी उसको बारे में सुनना गई ले रही तर बिल बिना बिल को पाए को हिसाब ले हामी लाई सोध बुझ करने को लाई ले उन्हों पर इस कारण ले आए कुछ अनुसंधान तो चार पांच तोला अनुसंधान में रख तो पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अनुसंधान में रख ओकरा में तो कम से कम हजारों तोला से सुन से बेसी है तो अनुसंधान में रख के तो रखू ना तो जब पथलैया लगल तो पथलैया अनुसंधान में बलराम शाह के नाम कतौ 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 से लिंक जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है से सब कुछ चेक भेल तो कतौ नहीं जुड़ल है तब तब वो छुटले तो हमार कथन कथी जो प्रशासन हथियार देखा कर तरसा कर तो ऐसा प्रशासन के तरफ से तो भयपूर्ण वातावरण जो हम सब भयमुक्त वातावरण व्यवसाय करी चलिए तो प्रवृत्ति के विरोध में हमार सब अपने के हिसाब से वहां घूमवा वास्तविक में पिस्तौल दिखा के तरसा के लेकर एकदम एना के देखल कि हां नहीं जी बात हम आईएएस साहब से बात के लिए यह संबंध में उनको से हम सब अंतर्वार्ता करे के लगी बात मिला लगी हो रही है उनको से बात कर वही सब बात रखने अच्छा और एक बात बताया जाओ कि अपने कहली जना आई हम बात आ रहा था कि बिना बिल के सामान जैसे ले ले कोई हिसाब से पकड़ा नहीं गई नहीं और वही के लिए आंदोलन भेल तो अपने के की लगे बिना मतलब बिल के सामान लेबे जाएगी देखियो बिना बिल बीजा के नेपाल सरकार के कानून के तहत रही के हम सारा चीज व्यवसाय संचालन सारा व्यवसायी के सारा नागरिक के सारा कर्मचारी के अपने के जे टीवी प्रसारण कर छी सब के कानून में रही के कर के लेकिन एगो बड़का लैक कत है कि अपना सब नेपाल के संविधान हो चाहे उद्योग नीति हो या एक राजस्व के नीति हो तो अपना सब लबी से कॉपी पेस्ट कर दोसर देश के लेकिन दोसर देश के अनुपात में अपन सबके जे मधेश प्रदेश है मधेश प्रदेश के मानव सूचांक कर्णाली से नीचा झड़ गए तो बहुते बात है कि केकरा कारण से झड़ल नहीं झड़ल शिक्षा के स्तर आगे 67% लिटरेसी के परसेंटेज अभी तेमें 13% महिला सब शिक्षित है तो 67% हमरा बुझाई कि है कि फेक डाटा है हमरा संकल तो ये कथी कि जब कोनो काम नहीं भेटल पढ़ाई असफल भ गेल जब किनका नीचा हम जाए चाहे कि हमरा सबके जे एजुकेशन के स्तर है शिक्षा के स्तर है हम सब माइंड सेट कर लेली कि जे बढ़िया बोर्डिंग स्कूल में पढ़ित रहल चाहे कतौ पढ़ित रहल तो जब प्लस टू कैलक बैचलर कैलक तो ओकर माइंड सेट रहल कि हमरा विदेश पढ़ जाए के वो खाड़ी मुलुक नहीं ऑस्ट्रेलिया यूरोप अमेरिका जाए के लेकिन जे किनका मध्यम वर्गीय परिवार के है अगर SLC पास कर लगी तो किनका पास कर कुछ सीख लीजिए कतार दुबई जाए कह के ओहो में जब ओहो पूंजी नहीं रहा फेल भग गया अच्छा विदेश से कमा के अल तो एगो व्यवसाय संचालन कल तो
एगो हमर कह के अर्थ कथी कि बहुत ही चीज नहीं जानते रहे आंतरिक राजस्व कार्यालय हम मतलब यो व्यवहारिक के बात हला रहे मतलब हम, नियम हम, के हिसाब से नहीं हो पड़ल है लेकिन यो जे व्यवहारिक के जना बिले लगे ले बिले हेरार के आई महिलो शादी ब्याह के या कोनो तो उ व्यवहारिक के हिसाब से कर हम हमर कथन कथी कि केकरो अहां एक थप्पड़ मारबे तो एक थप्पड़ के पनिशमेंट की होय पड़ले पनिशमेंट ओकर सजाए की होय पड़ले केकरो जते क्षति पुगे वही भी बमोजिम लेकिन ये एते बड़का तस्कर नहीं छे कि पथलैया पठावे वाला अवस्था छे तो ये गन गन देखा के मैनुपुलेट करना है व्यवसायी के सार्वजनिक स्थल में एगो त्रास वाला वातावरण सृजना होना है बिहान भेले जाके राति में मुचुलका उठक चाहिए पकड़ाऊ करे तो बल्लाम साह के राति में पकड़ाऊ करे के छे ना लेकिन बिहान भेले अहाँ जा बेलका में जा साँझ बिहान भेले 24 घंटा पार भ गए तब जाके अहाँ मुचुलका उठबी छे जाइ छी उ व्यवसायी नहीं मानी कि मुचुलका नहीं करला कि जे तब जेकर बाद अहाँ उ व्यवसायी डरा के फेर केकरो अप्रोच लगा के राति में जाइए सादा पेपर पर साइन कर दिए व्यवसायी के गलती तब जेकर बाद वही के बिहान भेले फ्रेंडली वातावरण में अहाँ बजबी छी रूम में बैठा के ल नजरबंद कर दी छी ओकरा हथकड़ी लगा दी छी 15 मिनट के भीतर में मेडिकल करा के एक सीमाना पार करा दी छी स्पीड में गाड़ी कूदा के तो हमर सबके प्रश्न कथी है ऐसे पहले तो एसपी साहब सब चले हमारे कार्यकाल में दू तीन गो एसपी साहब के देख लिए लेकिन कथी है कि ओ आज तक कोनो एसपी साहब कह दो कि राजेश छलिक क को कोनो सामान जे लबी छले तो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ से केकरो सिफारिश गेले कि ई छलिक के सामान छे एकरा अहाँ छोड़ दियौ कहि के आज तक सिफारिश नहीं होते हम प्रशासनिक निकाय के भंसार के बलराम साह ओ छूट गेलखिन धरौटी में रिया भेले पथलिया सब तो बलराम साह जब छूट गेली मान लेल जाओ धरौटी में रिया भ क तो फिर अभी आंदोलन कथी कह रहल छी कथी बंद हो गेल हम सब जे प्रशासन प्रमुख के एसपी साहब के जे सुरक्षा देवे के चाहिए हम सब ओकरा पर ढुक कर रहे कि हम ये जनकपुर में सुत सकी छी बैठ सकी छी हमर प्रशासन प्रमुख एकदम ठीक है केकरो बाद में एगो घुमुआ के बाद में मैनुपुलेट नहीं हुई तो अविश्वास हमरा सबके व्यवसायी कम्युनिटी के भ गेलै उनका प्रति कि हम बिहान जाके घुमुआ सब आरो प्रतिशोध तो नहीं लेते हमरा सबके प्रति गलत अथी राखि के गलत तरीका से व्यवसायी के क्षति नहीं पुगते हमरा सबके अविश्वास है डर है भय त्रास है मतलब कि अखंडता जैसे जे व्यापारी छूट के लिए अब ओकरा चलते आंदोलन नहीं भर अब आंदोलन भ रहल है कि व्यापारी के द्वारा एहन नहीं पड़े सुरक्षित वातावरण में हम सब व्यवसाय निर्भय भ के सुरक्षित वातावरण में व्यवसाय हम सब हमर व्यवसाय केना कर सके हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष हम केकरो से नहीं डराई छी सही छी तो केकरो से नहीं डराई छी लेकिन कभी के हमर व्यवसाय डराई है तो ओकर वॉइस रेज करे वाला ओकर आवाज के बुलंद करे वाला जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ कि जब ओहि ठामन बलराम साह लगाए चार गो व्यापारी पकड़ल ने तो ओहि समय देखलिए अपनहु रही ओहि ठामन हम सब रिपोर्टिंग समय गेल रही तो बहुत भयंकर आंदोलन रहे कि बहुत ज्यादा अपने दूर में आक्रोश रहे व्यवसाय आक्रोश रहे ने तो जब इतने आंदोलन अपने सब के लिए तो उ धरौटी पर यहाँ के लगी हुई पड़े वो जब वहां से उनका साथ देते रही मान लो तो दू दिन चार दिन और सही पूरा क्लियर भ का आवे वाला बात नहीं हमर सब के जे ज्ञापन पत्र हम सब बुझे अच्छा घरौती पर यहां भ का आ गेल के तरह आंदोलन के लेकर हमर सब के ज्ञापन पत्र है कि मुद्दा फिरता जे अहां गैर कानूनी तरीका से या नियम के मैनुपुलेट करके ओकरा जे पकड़ाउ करके लग गेलै जे प्रक्रिया रहै ओहि के विरुद्ध में जे वातावरण प्रशासन द्वारा सृजना भेलै ओहि के विरोध में हमर व्यवसायी सबके जे झूठा मुद्दा लागल है ओहि बयान जे ज्ञापन पत्र बुझाबे तो ओहि में ओ झूठा मुद्दा फिरता होय पड़लै सो सब कुछ में जोड़ल छै अच्छा यो अभी अभी जैसे कदी कहै जे सुन चांदी व्यवसाय संघ अभी ओहि दिन से अपन प्रतिष्ठान बंद कयले ने जी तो अपने अभी जैसे अपने भी उद्योग वाणिज्य संघ के तरफ से भी कुछ आंदोलन कर रहे हम सब जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ से सब व्यवसायी सब के जे भावना के कदर करी जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ काल 2 बजे तक संपूर्ण व्यवसायी के आह्वान कहने की जे प्रशासन के जे प्रणी के प्रवृत्ति है वही के विरोध में 2 बजे तक अपन व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद कर के हम सब ज्ञापन पत्र बुझब जबे तो ज्ञापन पत्र बुझब लगी सब व्यवसायी सम्मिलित भ के हम सब जे हमर सबके मुख्यमंत्री जी के गृह अथी सीडो साहब के मार्फत गृह मंत्रालय के और एक प्रदेश प्रहरी डीआईजी साहब है उनका हम सब काल ज्ञापन पत्र 3 जगह बुझबे हमरा सबके प्रत्याभूति करा दो कि अहाँ सब एकदम निर्भय भ के एकदम कानून के तहत में रह के अहाँ सब व्यवसाय संचालन कर सकी छी ये प्रत्याभूति करा दो ओहि के टोकन स्वरूप हम सब बंद के पक्ष में हमहू सब नहीं छी जब मान लो ओहि ठामन सुन चांदी व्यवसाय ऑलरेडी 3 दिन से बंद है
अहाँ सबके जब अभी बुझावे के छलिए पत्र तो बिना बंदो कह के तो बुझाई जा सके ये नहीं मानते ओके बाद अपने से बंद कराबे छले नहीं लेल कि अखन त ओनाइटो जे है से व्यापार के में मार्का चल रहले ना एक तरफ सुन चांदी व्यवसाय तीन दिन से बंदे है मान ले जाओ ओके बाद एते मार्का के समय में भी अपने सब काल पे बंद करा देली मैं बंद देखियो आखिर नहीं बंद करा के भी तो जाय जा सके जनकपुर उद्योग वाणी संघ बंद के जे आह्वान कयने है तो कोनो अवरोध केकरो हम सब ने कर रहल छी कोनो बाटो घाटो गाड़ी रोक के चाहे कुछ अवरोध नहीं कर छी उनका विरोध स्वरूप अपन व्यावसायिक प्रतिष्ठान 10 बजे 11 बजे हम सब के पसल खुलबे करिए 4 घंटा के लागी मात्रे हम सब अहाँ के विरोध कर रहल छी से प्रत्याभूति नेपाल सरकार के सब निकाय के करब लागी 4 घंटा के लागी लेकिन काल जहाँ ज्ञापन पत्र बुझावे जा रहल छै ना अधिक ज्ञापन पत्र भेटिए और ओय के बाद जे उ सब नहीं बात मानती अपने सब के तो 2-3 दिन के बाद हो तो ऑटोमेटिक 12 बजे के लागी भरी दिन के भी बंदी ने कराई जाए निश्चित रूप में जे 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 बंद कराए कोनो उचित नहीं जे औचित्य है हम पहले तो कहे कि जनकपुर उद्योग वाणी संघ जे जनकपुर उद्योग वाणी संघ के जे व्यवसायी सब है ओकर सदस्य सब है जे ओकर ओकर जे इच्छा है ओकर भावना है ओकर कदर करित उनकर सब के प्रेशर छली अनिश्चितकालीन बंद लेकिन हम सब उनकर भावना के कदर करित एगो ओकरा छोटिया के 4 घंटा 5 घंटा के लागी मात्रे बंद कयने छी जे व्यवसायी देखियो जनकपुर उद्योग वाणी संघ जे ओकर सदस्य है व्यवसायी है एक उद्योग व्यवसायी ओकर भावना के कदर करके ओकर नैतिक दायित्व जिम्मेवारी भी है तो उनका सबके भावना के कदर करित हम सब 4-5 घंटा के लागी काल अपन व्यवसायिक प्रतिष्ठान केकरो डिस्टर्ब नहीं होने गरी हम सब बंद कर छी यो चर्चा बात सब आ रहल है कि कुछ एक काम ने वो विशेष व्यापारी है विशेष व्यापारी के कारण से ई सब चीज भर भर के गए अभी कोई जनरल छोटछिन व्यापारी के ना भरी किए तो न ते आंदोलन होती न ते जैसे उद्योग वाणी संघ बंद करती हो बात आ रहा है नहीं हम अपने के विनम्र संपूर्ण औद्योगिक व्यवसाय के विनम्र भक अनुरोध करब कि कोनो हमर सब के औद्योगिक व्यवसाय जनकपुर उद्योग वाणी संघ में अपन समस्या लग के आयल होय तो उस समस्या के हम सब इंटरटेन नहीं कहीं है जय ढंग से होय आ ओकर जे उद्योग वाणी संघ से अगर जे हरेक संभव प्रयास कर के ओय समस्या के दूर कर वाला काम कैल गेल होते तो एहन अवस्था देखियो हम सब पहले कहली कि आज तक न तस्कर के न राजस्व छली कर वाला सबके नहीं सिफारिश कैली तो प्रशासन जरे हमर सबके वातावरण कहियो नहीं गड़बड़ाएल छली एगो जे प्रवृत्ति नया आले तो तै हिसाब से हमर सबके प्रवृत्ति के विरोध है आ एहन आगामी दिन में भविष्य में नहीं होय तै के लागी हम सब अ विरोध के अगर अ चीज में जे जे दोषी है ओकरा पर कार्रवाई प्रक्रिया अगाड़ी नहीं बढ़ल तो आ वाला दिन में हम सब ऐसे कड़ा स्टेप में अनिश्चितकालीन अगर बंदी करे पड़ती तो वो अवस्था में हम सब जे व्यवसाय के जा सकते हैं और भी काम करो लगती मान लो और अपने सब हिसाब से बढ़ावा देवे से बात बहुत अभियो अभियो हम अपने के टेलीविजन में 5 चोटी हम दोहरा लेली कि जे राजस्व छली कक या तस्करी कक समान ओकर निश्चित रूप में डे वन में जनकपुर उद्योग वाणी संघ के जे युवा टीम जे अले अय जनकपुर उद्योग वाणी संघ में त हमर सब के डे वन से हमर सब के उद्घोष रह के ओकर सब के सिफारिश हम सब पैर भी कहियो नहीं करबै से एकदम निश्चित काल 12 बजे तक लाइव बंदी रखल छी 2 बजे तक 2 बजे तक जी काल के बाद हो कि बंदी के कार्यक्रम रखबै नहीं काल के बंदी के कार्यक्रम जे सोनो चांदी व्यवसाय सब छथिन ज्ञापन पत्र बुझेला के बाद वो बंदी के कार्यक्रम फिरता होते लेकिन हमर सब के जे एगो मांग रहते अगर एक हफ्ता आंदोलन करे बहुत सिस्टम है ना काला पट्टी बांध के करियो नहीं माने छी त आगे जनक चौक पर जे लोग आंदोलन कर के वही साथे 2 घंटा कोई नहीं वो किसी के बात नहीं अनशन है रिले अनशन है हमरा अनशन है आने बंद करे पड़े ई तो बात नहीं नहीं तो हम अपन जे हमर व्यवसाय हम पहिने तो कह देल कि व्यवसाय के भावना के जे ओकर सब के इच्छा भावना छले ओय के समेटे के प्रयास सबसे बड़का समस्या के लेवल है व्यवसाय के पूरा नेपाले लगाए जनकपुर धाम में अपने के व्यवसाय मंदी चल रहल है और बैंक के बहुत बड़का और ब्याज के समस्या चल रहल है वो चीज के लायक कते दिन बंद करबे लिए अपने ओय दिन के लिए कते दिन आंदोलन करे कते दिन बंद करबे लिए अपने वो तो व्यवसायी के एकदम एकदम बढ़िया प्रसंग ले लिए हम अपने सब व्यापारी बंद के हम अपने के प्रश्न करना चाहिए थी वो बंद बंद कर के अवस्था हम सब सृजना नहीं हुए दिलिए तो हम अपने के जे मीडिया के मार्फत जानकारी उद्योगी व्यवसायी कर सकिए आ उद्योगी व्यवसाय के प्रत्याभूति अब सेहो भ रहा है कि उद्योग वाणी संघ में कल के लगभग 1 वर्ष पहले हम सब जनकपुर उद्योग वाणी संघ से बंद एनाहिते 4-5 घंटा के लागी बंद कर के हम सब 12 बजे बंद कर के ज्ञापन पत्र बुझब गए राष्ट्र बैंक में लगभग वह में कम से कम 5,000 व्यापारी व्यवसायी के सहभागिता रहे तो हम सब बंद के पक्ष में नहीं थी तब तेकर बाद ई आंदोलन हमर सब के केंद्र
जे काठमाण्डू केन्द्रित आन्दोलन भेलै, मधेश प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन भेलै, ओहिमे हमसब विभिन्न चरणमे काठमाण्डूमे जाकऽ एकर आन्दोलनमे एकवत्ता कयने छी, जनक अथी मधेश प्रदेश सभी, जनकपुर उद्योग वाणी संघ सभी, आओर ओकर फलस्वरूप जे चालू पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन जे नेपाल सरकार राष्ट्र बैंक जे लेने रहे हचुआके तालमे, ओहिमे विभिन्न संशोधन सब भेलै, विभिन्न संशोधन सब भेलाके कारण से अभी देखबै कि कनिटा ब्याज दर धीरे धीरे घटि रहलै, आओर अब ई ब्याज दर सप्लाई एंड डिमांड के बैंकर एसोसिएशन बैंक सबके जिम्मा दे देलकै राष्ट्र बैंक, तऽ ओहूमे हमरा सबके कतौ न कतौ जे ई अभी अभियो 3% तक 5% तक के जे छूट देने अहाँके प्रीमियम में, तो ओहू में हमर सबके विरोध है कि एहिमे कैप लगा के 2% से बेसी नहीं लेब सकिए, तो अभी 9.16 मैक्सिमम अहाँके बेस रेट भ गेल है, ओहिमे केओ 2% केओ 3% 5% तक ओकरा सबके छूट देने, तो वही में किनका अराजक गतिविधि भ रहल है, ओहू के हमसब विरोध में छी, और चालू पूँजी कर्जा मार्ग निर्देशन में अपने के साल में जे एक बार जे नील करे पड़ी जे हम कर्जा लेने छी, अगर 5 करोड़ लेने छी तो 5 करोड़ एक बार जे बैंक के पूरे नील करे थे, तो ओहिमे राष्ट्र बैंक सब राष्ट्र बैंक सब बैंक सब फ्लेक्सिबल है, तो ये हमर सबके जे आंदोलन है, हमर सबके विभिन्न चरण में जे ज्ञापन पत्र बुझाएल गेल है, विभिन्न चरण में लॉबिंग भेलै अर्थमंत्री जी जरे, तो एक फलस्वरूप ये सब भ रहल है। हाँ, जनकपुर उद्योग वाणी संघ पूरे राष्ट्र के जते उद्योगी व्यवसाय के संघ संस्था प्रतिनिधि सब है, हम सब मिल के कहने छी तो से जानकारी करब चाहिए। एगो बात और बताइलो, आंदोलन भेलै ओदिन हम सोना पट्टी टांकी मंदिर के बगल में ने जी, और ओहि जगह पर आंदोलन भेलै बलराम साह लगाए और भी दुकानदार के ओहि अगल बगल में रही लगलै ने, आंदोलन भेलै आंदोलन होइके चाही, अधि व्यापारी के बात कभी में अधि गलत तरीका से लग गेलै ने, लेकिन एगो चीज अपने बता बगल में जानकी मंदिर है एते टायर ओहिठान जलाएल गेलै, मान ले जाओ कि काल होके पूरे जानकी मंदिर ग्राउंड काला काला भ गेलै, रोड काला भेलै भेलै पूरा ग्राउंड, अधि मान लो विरोध स्वरूप अधि अपने जान जनक ऊपर देखाय दलो हम जे ओहि दिना उद्योगी व्यवसाय आक्रोशित रहे, हमरा कनिका लेट से जानकारी, हम सीडीओ साहब लग बैठल रहे, जानकारी भेल तऽ हम गेली तऽ वास्तवमे टायर उड़ सब जला देने, तऽ हम तऽ कोनो आन्दोलन होय, आन्दोलनकर्मी हमर उद्योगी व्यवसायीके या कोनो आन्दोलन होय, तऽ जनकपुर अपन सबके शहर अइ सुन्दर एकरा बनाबैके प्रयास करी, टायर उड़ केओ नहि जा रहा, विरोध धरना दी, विरोध प्रदर्शन करी, प्ले कार्ड देखाय, से हम उद्योगी व्यवसायीसँ एक नागरिकसँ एक आबयवला भविष्यमे कोनो आन्दोलन हेतै तऽ सब जरे अनुरोध करय चाहै छी, आ भविष्यमे एहि चीजके हमसब ख्याल रखबै कि टायर उड़ नहि जले, दुकान के अगर टायर जला गेलै, दुकान पर ते जूता लोक पहिनलकै, चप्पल पहिनके घरे घरे के होतै जी, मान लो जेना जानकी मंदिर पूरे करिया भऽ गेलै, घरो लोक करिया भऽ गेलै एकदम, काल्हि भेलै अपने लगाए और आदमी के सफाई कराबे प्रयास कयली, ओना हम काल्हि गेलै मंदिर डेली मंदिर जाइ छी, देखल तऽ हमके रिपोर्टिंग बनी लिए ओ आगरा के लिए, नगरपालिका से आगरा के लिए, गंगौर समुदाय से आगरा के लिए, लेकिन वो आगरा सुन करके आज सुबह में ओहिठान जनकपुर महानगर पालिका के गाड़ी गए लगे ना साफ करवल के, लेकिन हमर कहे के मतलब है जानकी मंदिर के चलते हम सब की निश्चित रूप से अब जनकपुर धाम के नाम होना तो अयोध्या में बहुत ज्यादा चल गए, बहुत टूरिस्ट रहते, जानकी मंदिर के हमरा सबके सफा सुथरा सुंदर बनाबे के सजावे के काम है, नहीं ना गंदगी करा दे काम, अधिक गंदगी भेल सुबह सुबह एकदम एकदम ई बात से अपने के सहमत छी, अब कतौ न कतौ हम सब जे आंदोलन में और मूवमेंट में व्यस्तता के कारण से ओने ध्यान नहीं पुग सकले, निश्चित रूप में जे अपने पहल कैली ओहि के लागि धन्यवाद दै छी, आगामी दिन में एहि चीज समय ध्यान पुगते से प्रतिबद्धता छै, पूरा करिया गांधी मन के आई में की है कि सब आदमी आज जना सनीय बात छले आधा घंटा बैठा हम तो रहिए दे दी कि आंदोलन भले बढ़िया भले टायर जले छूटो के ये ले नहीं सब कोई साफ जल गई तब ना छूट कर ली नहीं जवाब तो बन ले कहलो हां 12 बजे 2 बजे तक लाई बंद करवे जाकर हर एक व्यापारी के साथ देती अपने के ने जी जी लेकिन अपन जे जानकी मंदिर छै यदि वही के अगल बगल में एहन कार्यक्रम नहीं भौ पाले जन चुप रही तो और बढ़िया होती नहीं एकदम अपने के अइ बात में हम कोनो असहमति नहि जानब सहमत छी अपने के बात से आ निश्चित रूप में आगामी दिन में जते अपने बात जे उत्थान के लिए तो संपूर्ण चीज पर जे हम उद्योगी व्यवसाय के प्रतिनिधि के हैसियत से अइ चीज पर हम सब निश्चित रूप में ध्यान देबे से हम अपने के विश्वस्त करय चाहै छी धन्यवाद है अपने जे ते समय निकाल के देलिए और अभी जे व्यापारिक बात सब जे अभी ऑलए अब अंतिम में अपने की कहले जा हम सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीसँ आग्रह की करय चाहबै
कि निश्चित रूप में हमर सबके बाजार व्यवसाय सब कुछ गतिविधि लगभग हमर सबके जे कार्यकाल के 2.5-3 वर्ष बीत गए स्मूथली तरीका से चली चले, लेकिन ये वातावरण बिगड़ल है तो संपूर्ण उद्योगी व्यवसाय के संयमित भक जनकपुर उद्योग वाणी संघ सक्रिय अपने सबके अभिभावक के रूप में है एकदम कोनो डर त्रास के भय के वातावरण वहाँ हम सब जे आए वाला दिन में सृजना नहीं होब देवे सुरक्षित सुरक्षित तरीका से अपने सब व्यवसाय करूँ ढुक के व्यवसाय करू और जतिक जे चुनौती है अभी उद्योगी व्यवसाय अर्थतंत्र सलक जतिक चुनौती सब है वो चुनौती के हम सब क्रमबद्ध रूप में फेस कर एक समाधान के लागी सरकार के प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार से लक संघीय सरकार से हम सब चरणबद्ध रूप में विभिन्न किस्म के मतलब कार्य सब अगड़ी बढ़ा ते दुआरे जे अभी परिस्थिति भी सृजना भेलै जे आंदोलन के परिस्थिति सृजना भेलै सेहो आ औद्योगिक व्यवसाय के जे आर्थिक हिसाब में पीड़ा है वहू के लागि हम सब प्रयासरत छी कि पीड़ा बेसी दिन नहीं रहे तो के लागि प्रयासरत छी आ जनकपुर उद्योग वाणी संघ अपने सबके सदैव साथ में से हम प्रतिबद्धता सेहो देबे चाहे छी अनुरोध सेहो करे चाहे छी। धन्यवाद। अपने तो देखे छलिए आए जनकपुर धाम जनकपुर धाम उद्योग वाणी संघ के अध्यक्ष जे कि अभी 2-3 दिन से एहन आंदोलन चलै छलैए काल्हि सांकेतिक बंदियों दुबई तक कराई रखले छथिन और अभी जे व्यापारी पर जे समस्या छलैए ओ समस्या के लेल हम सब बात कैली। अभी धर के लेल हम विदा चाहब। हम बैद्यनाथ नमस्कार धन्यवाद अपन जानकी टीवी देखे।